Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बटग्राम में रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट फंस गई, तलबा समेत 8 अफराद मौजूद, 2 बच्चे बेहोश। हेलीकॉप्टर्स की मदद से चेयरलिफ्ट में दवाएं और खुराक पहुंचा दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफा, शहरियों के सब्र का पैमान लबरेज। रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों की बायकाट मुहिम जारी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे। आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिसेस जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बटग्राम में पाश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने बटग्राम में पाश्तो के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने NDMA, PDMA और तमाम दीगर मुतालिका रेस्क्यू इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाकर तालबे इल्मों और असातिज़ा को रेस्क्यू करने की हिदायत की है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयरलिफ्ट्स पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। बटग्राम में आलाए पाश्तों में रस्सी टूट जाने से चेयरलिफ्ट 2000 मीटर बुलंदी पर हवा में मालिक रह गई। इसमें सुबह से नवी जमात के 7 बच्चे और एक उस्ताद मौजूद हैं। 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। पाक फौज के SSG कमांडोज ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से चेयरलिफ्ट में दवाएँ और खुराक पहुँचा दी। अब ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बटग्राम के पहाड़ी इलाके आलाए पाश्तो में सुबह 8 बजे 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए, ताहम रास्ते में ये वाकया पेश आया। इस केबल कार के 3 तार थे जिनमें से 2 टूट चुके हैं और सिर्फ 1 तार से चेयरलिफ्ट हवा में रुकी हुई है। फंसने वाली लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में मालिक है जिसके सबब मुकामी लोग इमदादी कार्रवाई से कासिर हैं। इत्तला मिलने पर पाक फौज ने बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया।
दो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू के लिए पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सिलिंग ऑपरेशन के माहिरीन की टीम भी ऑपरेशन में मसरूफ अमल है। पाक फौज के एक हेलीकॉप्टर में 20 कमांडोज मौजूद हैं। चेयरलिफ्ट के 3 में से 2 तार टूट चुके हैं और हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेला बच जाने वाला तार भी टूट सकता है, इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जाएगी। चेयरलिफ्ट को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर ले जाना एक मुश्किल ऑपरेशन है क्योंकि वाहिद बच जाने वाला तार मामूली से भी हवाई दबाव के सबब टूट सकता है। ऑपरेशन के दौरान देखा गया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर चेयरलिफ्ट के करीब पहुंचा, हवा के दबाव से लिफ्ट ने हिलना शुरू कर दिया, जिस पर हेलीकॉप्टर को वापस दूर जाना पड़ा। बाद अजा हेलीकॉप्टर बुलंदी पर रुके और एक एसएसजी कमांडो को रस्सी की मदद से चेयरलिफ्ट के पास पहुंचाया, जिसने चेयरलिफ्ट तक रसाई हासिल कर ली और पहले मरहले में खुराक और दवाएँ चेयरलिफ्ट में पहुँचा दी, क्योंकि सुबह 8 बजे से बच्चे और उस्ताद भूखे प्यासे वहां कैद होकर रह गए हैं। एसएसजी कमांडो ने बच्चों को यकीन दिलाया कि उन्हें बचा लिया जाएगा। अद्वियात और खुराक पहुंचाने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स वापस चले गए और दोबारा पहुंचे, जिसके बाद मुतासरीन को निकालने के लिए ऑपरेशन का दूसरा मरहला GOC SSGC की निगरानी में शुरू किया जाएगा। वाजह रहे कि लिफ्ट की रस्सी सुबह 8:30 बजे टूटी है, जबकि लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में मौलिक है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। हजारों रुपए बिल जायद आने पर कहोटा में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने कहोटा सब डिवीजन ऑफिस पर धावा बोल दिया। शहरियों ने जबरदस्ती आयस को दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की और गेट बंद होने पर उसे तोड़ने की भी कोशिश की। सार्फीन का कहना है कि बिजली आती नहीं, मगर बिल हजारों के भेजे जा रहे हैं। बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि अदा करने से कासिर हैं। दूसरी जानिब कोटली समेत आजाद कश्मीर भर में एक्शन कमेटीज की जानिब से बिजली के बिल्स के बायकॉट मुहिम जारी है। कोटली शहर, नवाहे इलाका, तत्तापानी, खोई रट्टा, गोई निकियाल और नाड़ में बिजली के बिल की बायकॉट मुहिम के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कोटली समेत आजाद कश्मीर भर में एक्शन कमेटीज की जानिब से बिजली के बिल्स की बायकॉट मुहिम जारी है। हुकूमत ने बिजली के बिल्स जमा करवाने की तारीख में 28 अगस्त तक तौसी कर दी। नाजम बरकियात का कहना है कि हुकूमत ने बिजली बिल्स पर लगाए गए इस माह के टैक्स को मुअत्तल करके माह जुलाई में एडजस्ट कर दिया है। एक्शन कमेटीज का कहना है कि बिजली के बिल से जालिमाना टैक्सेस को खत्म करने तक एहतजाज जारी रहेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को हिदायत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन में मामले पर रहनुमाई के लिए रुजू करें। दरख्वास्त पर फैसले तक दोनों कवानीन पर अमल दरामद मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट जुल्फिकार भट्टा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट से बराह रास्त आवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ये इम्कान भी मौजूद है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी कवानीन के मुलजिमान बरी हो जाएंगे। मशकूक नौयत की कानून साजी आइन के आर्टिकल 4 के मनाफी है। दोनों कवानीन हसास नौयत के हैं, जिनसे आम आवाम के मुतासिर होने का खदशा है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के मुताबिक उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों की मंजूरी नहीं दी। सदर मुमलिकत के बयान के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। इम्कान है कि दोनों कवानीन के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हतमी फैसले से रोक दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे, मगर हतमी फैसला ना करे। अदालत ने दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की भी हिदायत करते हुए कहा कि इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में जेरे समात हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन की जारी तौहीन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। जस्टिस वहीद खान ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया और आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिसेस जारी कर दिए। वाज़े रहे कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर समीर खौसा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 10 के तहत इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि अदालत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार दे। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya. Kisi jarnail se sawal poocho to qaumi salamati ke upar hamla. Ab maine inke piche jana hai. Apna na laiki ko chupana. अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, तनाकादी, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।